हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर सुमन। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। गाइज, मसाला भिंडी बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन बिल्कुल ढाबे की तरह मसालेदार, चटपटा और एक अनोखे स्वाद वाला मसाला भिंडी बनाने के बहुत सारे टिप्स होते हैं जो इस पूरी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइज, मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें फ्रेश और छोटे साइज़ की भिंडी लेनी है। छोटे साइज़ की हैं तो आपको इसको बीच से पीस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप इसके दो टुकड़े कर लें। इसके हेड को और टेल को हम ट्रिम कर देंगे और ये ध्यान रखें कि ये ज़्यादा गीली नहीं हो, इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं हो, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए जिससे जो हम मसाले इसमें ऐड करेंगे वो इस पर अच्छे से चिपक जाए, स्टिक हो जाए। सबसे पहले हमने यहाँ पर नमक डाल दिया, उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। अब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच बेसन को भी ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे बेसन को बाद में ही ऐड करना है, क्योंकि अगर आपने पहले बेसन को ऐड कर दिया तो मसाले जल जाएंगे। यहाँ पर जब बेसन को हम ऐड कर देते हैं तो मैं एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है भिंडी का वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे बाहर इसकी एक बहुत अच्छी सी क्रंची सी लेयर बन जाएगी। गाइस, बेसन को ऐड करने से जब हम भिंडी को फ्राई करेंगे तो भिंडी के जो मसाले हैं वो जलते नहीं हैं, तो इसलिए आप बेसन को ज़रूर ऐड करें। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का। अब हमारी भिंडी को हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे, इसके बाद हम इसे सैलो फ्राई करेंगे। गाइस, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सैलो फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी हेल्दी भी बनेगी। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल काफ़ी है इसे फ्राई करने के लिए। तो जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें भिंडी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बेसन जो लिया है वो कच्चा बेसन है, इसलिए हमें इसे अच्छे से धीरे धीरे इसको फ्राई करना है, जिससे कि बेसन जो हमने इसमें ऐड किया वो पक जाए और साथ ही हमारी भिंडी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जितनी फ्रेश भिंडी आप लेंगे उतनी जल्दी भिंडी पक जाती है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भिंडी को ओवरकुक नहीं करना है, क्योंकि मसाले में भी हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ से 3 से 4 मिनट का टाइम इसको फ्राई करने के लिए लगेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर देंगे। अब हमारी भिंडी तैयार हो गई है, तो इनको हम एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। गाइस, हमारी भिंडी थोड़ी सी पक भी गई हैं और अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो अब हम सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 1/3 कप आप सरसों का तेल ले लें, या फिर आप 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लें। जब वो तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसमें हम जीरे को ऐड करेंगे। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज का मैंने यहाँ पर पेस्ट बनाया हुआ था, उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है, यानी कि हमें 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को पका लेना है। उसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चूँकि पेस्ट ऐड किया था इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया। आप इसको अगर काट के चॉप्ड करके डाल रहे हैं तो आप इसको पहले ऐड करें। गाइस, अब हमें इसे पेस्ट को अच्छे से पका लेना है, यानी कि फिर से हमें 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। तो जब इनका कलर हल्का चेंज हो जाए हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें धनिया के पाउडर को, उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून हल्दी को, और इसके साथ ही हमने 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर को ऐड कर दिया है। तो ये सारे मसाले की क्वांटिटी मैंने मेंशन की हुई है, और इसके साथ ही हम इसमें गरम मसाले को भी ऐड कर देंगे। मसालों के साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्च को भी काट करके इसमें ऐड कर देंगे, इससे भी बहुत बढ़िया हमारी ग्रेवी का फ्लेवर आएगा। इन सभी को हम 1/2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर के पेस्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं, उसका पेस्ट बना लिया। अब हम इन सभी मसालों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। तो जब इसमें से तेल अलग होने लगे, थोड़ा ये पकने लगे, उसके बाद हम इसमें लास्ट में कसूरी मेथी को ऐड करेंगे। इन सभी को मिक्स करके हम थोड़ा कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। बीच में आप इसको एक बार ज़रूर देख लें कहीं मसाले जल तो नहीं रहे। गाइस, इस पूरी प्रोसेस को करने में, मसालों को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप तब तक इसे पकाएं जब तक इसमें तेल थोड़ा सा अलग ना होने लगे और इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हमें लास्ट में इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी मिक्स करनी है जिससे हमारी पूरी ग्रेवी का जो फ्लेवर है और जो इसका टेस्ट होता है बहुत ही यूनिक हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच दही को ऐड करेंगे। तो दही को मिक्स करने का तरीका ये होता है कि मसालों को आप एक साइड कर लें और बीच में अच्छे से दही को आप चलाते हुए मिक्स करें, जिससे वो फटे नहीं, लगातार चलाएं। उसके बाद धीरे से सभी मसाले में इसको मिक्स कर दें। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश जो घर की मलाई होती है उसको आप मिक्स कर दें अच्छे से फेंट करके, या फिर आप फ्रेश क्रीम को ऐड कर सकते हैं, उसे भी आप इसी तरह से धीरे धीरे करके मिक्स करके पकाएं। गाइस, अब जो मसाला हमारा पहले से पक चुका है, लेकिन जो हमने इसमें दही और क्रीम ऐड करी है उसको भी हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। 1/2-1 मिनट के लिए आप पका लें,
और उसके बाद लास्ट में हम इसमें पानी को मिक्स करेंगे। तो पानी को हमें आधा ग्लास पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि जब हम इसकी ग्रेवी को पकाएंगे तो पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, सूखेगा, इसलिए आप इसमें पानी अपने हिसाब से डाल दें। और उसमें हम नमक ऐड करके अब हम भिंडी को ऐड कर देंगे। गाइस आप देख रहे हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका था, इसमें से तेल सेपरेट हो रहा है और भिंडी भी हमने इसमें मिक्स कर दी है। तो अब आप ये देख लें कि अगर आपको ग्रेवी थोड़ी और चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही पका सकते हैं। गाइस मसाला हमारा पका हुआ था, भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, लेकिन जो पानी हमने इसमें मिक्स किया उसको हमें थोड़ा बॉयल करना है, इस वजह से आप इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पका दें। पे जो हमने दही को, मलाई को और इसके साथ ही कसूरी मेथी को ऐड किया, उससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसके साथ ही जो हमने बेसन इसमें ऐड किया था वो भी हमारी ग्रेवी में एक अलग ही फ्लेवर को देता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। गैस को हम स्विच ऑफ कर देंगे और इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। गैस इसको सर्व करने का एक तरीका ये भी है कि आप मसालों को अलग से पका लें और भिंडी को अलग से फ्राई करके रखें, और जब भी आपको सर्व करना है दोनों को मिक्स करके आप तुरंत इसको रेडी कर सकते हैं। गैस आपको मसाला भिंडी की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गाइस मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।